नारायण पंचारिया से खास बातचीत। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है नारायण पंचारिया। सह संयोजक ओकार सिंह लखावत भी साथ में मौजूद रहे। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनने पर बोले पंचारिया, क्या कुछ का आपको बताते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जो मेरे जैसे हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व और टीम भावना से हमेशा काम होता है। सबको साथ लेकर चुनाव प्रबंधन का बढ़िया काम करेंगे। वहीं 2023 में स्पष्ट बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी का कार्य बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक काम पूरा हो चुका है। जल्द ही चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग बुलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक बने हैं नारायण पंचारिया। हालांकि इन्हें लेकर एक समय में चर्चाएं दूसरी थी कि अध्यक्ष भी बन सकते हैं, इस तरीके की चर्चाएं थी जो स्वाभाविक तौर पर राजनीति में होती है। लेकिन आज इनसे बात करना इसलिए भी लाजमी है कि आज महत्वपूर्ण पद मिला है। ये पद आखिरकार आपको उसका प्रतिफल है क्या कि आप दूसरे राज्यों में चुनाव लगातार संभालते रहे थे, कभी गुजरात चले जाते थे, कभी मुझे आप कर्नाटक मिलते थे, तो दूसरे राज्यों का तजुर्बा राजस्थान में भी मिलेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक नया पहल करते हुए और एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व सौंपा है। मैं आज ये कह सकता हूं कि ये तो सिद्ध हो गया कि मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर कार्यकर्ता नेता होता है और हर नेता कार्यकर्ता होता है। तो बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा मैं मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को। तो इसमें किस तरीके के कार्य आपके ऊपर रहेंगे, किस तरीके की जिम्मेदारी रहेंगी, क्योंकि अभी लखावत साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो लगातार मैं भी इन्हें कई वर्षों से चुनाव के समय में बेहद व्यस्त देखता आया हूँ। देखिए, जैसा कि चुनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय है तो संपूर्ण चुनाव 2023 असेंबली का संपूर्ण जो चुनाव है इसमें विभिन्न अलग अलग के विभाग रहेंगे, उसमें सभी व्यवस्थाएं वो हम लोग देखेंगे। एक हमारी टीम है, सारी टीम मिलकर के सबको साथ लेकर कर टीम भाजपा राजस्थान सब मिलके और हम इस काम को करेंगे। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार में आएगी। लखावत साहब हमारे साथ मौजूद है। लखावत साहब, आप बहुत दिन बाद नज़र आ रहे हैं। आप किताब लिखने में व्यस्त थे लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी किताब है वो लिखते नज़र आएंगे। तो देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सब कार्यकर्ता मिल बैठ करके आपस में सामंजस्य के द्वारा चुनाव लड़ते हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि माने नारायण जी और इनके जितने भी साथी हैं, हम सब मिलकर के एक मुखी होकर, एकाग्रचित होकर के, एक राय लेकर, हर कार्यकर्ता जो महत्वपूर्ण दायित्व पर बैठा है, जिस जो संबंध है, उस सबकी राय लेकर के प्रबंधन का काम करेंगे। हमारा काम व्यवस्था करने का है, उस व्यवस्था को जितना ठीक कर सकते हैं उसमें कोई कमी ना रहे, ये सब पे निर्भर करता है और ये सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही संभव है। तो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और सह संयोजक दोनों ही काफ़ी वरिष्ठ लीडर हैं और दोनों के पास ही तजुर्बा है और दोनों ही राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। नारायण पंचारिया लगातार जो चुनाव से पहले भी जो अन्य जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन्हें निभाते रहे हैं। खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।